ओम शांति। इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ विसरी नंबर 1257, क्लैरिफाइड ऑन 2 मार्च 2010 एट सानेपा, नेपाल। मुरली पढ़ना है या अव्यक्तवाणी पढ़ना है? नहीं, अव्यक्तवाणी आई शिवरात्रि की। Should I read a Murli or an Avyaktavani? We have a new Avyaktavani of Shivratri. Avyaktavani padhna hai ya Murli padhna hai? Avyaktavani padhna hai. Should I read the Avyaktavani or Murli? Students, Avyaktavani. Avyaktavani padhna hai. Achha. Should I read an Avyaktavani? Achha. ये अव्यक्तवाणी है 11-2-10 की। दिस अव्यक्तवाणी इज स्टेटेड 11-2-10। हेडिंग दिया है। द हेडिंग गिवन इज शिव बाबा के जन्मदिन पर क्रोध रूपी आग का फूल बाप दादा को अर्पण कर दर्पण बनो। On Shiv Baba's birthday, offer anger in the form of the Akh flowers, that is Vola wort, to Bap Dada and become a mirror. Pavitra pravritti ke pratyaksha pramana dwara pratyakshata ko samip lao. Through a practical proof of pure household, bring revelation close. Aaj, today, sabhi bachche sanmukh baithe hue hain. All the children are sitting face to face with Bap Dada. और देश विदेश में बैठे हुए चारों ओर के बच्चे बहुत खुशी से बाप का और अपना जन्मदिन मनाने की अनेक अनेक बधाइयां मुबारकें दे रहे हैं। And the children sitting in all the four corners in the country and abroad are giving many greetings and congratulations with a lot of joy to celebrate the birthday of the father. And also their own birthday. आप सन्मुख बैठे हो। You are sitting face to face. और दूर दूर से साइंस के साधनों द्वारा सभी बच्चे खुशी खुशी से दिल की मुबारकें दे रहे हैं। And all the children sitting far and wide are happily sending congratulations from their heart through the means of science. आप सभी जो यहाँ आए हैं। All of you who have come here, वो बाप का जन्मदिन मनाने आए हैं। You have come to celebrate the birthday of the father. तो बाप का ही मनाने आए हैं। So, have you come to celebrate the birthday of the father alone? या अपना भी मनाने आए हैं? Or have you come to celebrate your own birthday as well? क्योंकि ये जयंती विचित्र जयंती है। It is because this birthday is a unique birthday. क्यों विचित्र है? Why is it unique? नहीं. Student replies, No. बाप का जन्म और बच्चों का जन्म साथ साथ है. The birth of the father and the children is together. कौन से हैं बच्चे? Which children? 500 crore. The 5 billion. है? Student, the spiritual children. हाँ, 500 crore रूह नहीं है? Yes, aren't the 5 billion children spirits? है? सब लोग बैठे हैं। Student, those who are sitting face to face. अच्छा, सन्मुख बैठे हैं। अच्छा, those sitting face to face. तो सन्मुख बैठे हुए सिर्फ नेपाल वाले बच्चे होते हैं क्या? Do only the children of Nepal sit face to face? और बाकी दुनिया में कहीं नहीं है? And aren't their children anywhere else in the world? तो so साथ साथ जिनका जन्मदिन मनाया जाता है, those whose birthday is celebrated together, और मनाने की बात तो भक्ति मार्ग में होती है। Well, there is the custom of celebration in the path of bhakti. यहाँ तो संगम युग में, हियर इन द कॉन्फ्लुएंस एज, प्रैक्टिकल जन्म होता है।
दे आर बॉर्न इन प्रैक्टिस। तो बाप और बच्चों का साथ साथ जो जन्म है, सारे कल्प में ऐसी जयंती होती नहीं है। सो द बर्थडे ऑफ द फादर एंड द चिल्ड्रन दैट इज टुगेदर, देयर इज इन सच अ बर्थडे इन द होल साइकिल। तो बताओ, सो टेल मी, कौन कौन बच्चे हैं जिनका बाप की जयंती के साथ साथ जन्मदिन है? द बर्थडे ऑफ विच चिल्ड्रन इज टुगेदर विद दैट ऑफ द फादर। जो बाप की जयंती, सो बच्चों की जयंती। द बर्थडे ऑफ द फादर इज द बर्थडे ऑफ द चिल्ड्रन। है स्टूडेंट्स रिप्लाई, सिर्फ अष्टदेव, ओनली द अष्टदेव्स, दैट इज एट डीटीज। ऐसे तो बाबा कहते हैं, एज सच बाबा सेज, कि मैं जब आता हूँ तो अकेला नहीं आता हूँ। When I come, I don't come alone. अकेला आता हूँ। Do I come alone? परम धाम से जब मैं आता हूँ तो अकेला आता हूँ। When I come from the supreme abode, do I come alone? नहीं। No. कौन कौन? Who all come with me? है? त्रिमूर्ति के साथ आता हूँ। Student, त्रिमूर्ति, I come along with the त्रिमूर्ति। तो तीन मूर्तियां, ब्रह्मा विष्णु शंकर, इनका भी तो जन्म साथ ही साथ है। सो द थ्री पर्सनैलिटीज नेमली ब्रह्मा विष्णु एंड शंकर, देयर बर्थडे इज ऑल्सो टुगेदर। जब आता हूँ, व्हेन आई कम, तो ऐसे नहीं कि ब्रह्मा के तन में ही आता हूँ। इट इज इन दैट आई कम ओनली इन द बॉडी ऑफ ब्रह्मा, विष्णु को छोड़ देता हूँ या शंकर को छोड़ देता हूँ। दैट आई लीव आउट विष्णु और शंकर, नहीं, नो, जब आता हूँ, व्हेन आई कम, तो तीनों ही मूर्तियाँ साथ में होती हैं। ऑल द थ्री पर्सनैलिटीज आर टुगेदर विद मी। याद है? डू यू रिमेम्बर? तीनों ही मूर्तियाँ साथ होती हैं। ऑल द थ्री पर्सनैलिटीज आर टुगेदर विद मी। तो कहेंगे कि चार आत्माओं का जन्म साथ साथ है। देन इट विल बी सेड दैट द बर्थ ऑफ फोर सोल्स इज टुगेदर। शिव का जन्म, द बर्थ ऑफ शिव। शंकर का जन्म, द बर्थ ऑफ शंकर। विष्णु कोई देवता तो होता नहीं है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, विष्णु इजंट अ डीटी। हाँ, ये कहेंगे वैष्णव देवी। यस, इट विल बी सेड वैष्णव देवी, क्योंकि विष्णु प्रैक्टिकल संस्कारों वाला है। इट इज बिकॉज विष्णु इज द वन हु पोजेसेस संस्कार्स इन प्रैक्टिस। प्रैक्टिकल पहले होता है या बाद में होता है? बाद में। डज प्रैक्टिकल हैपन फर्स्ट और लेटर? स्टूडेंट, लेटर। बाद में होता है। इट हैपन्स लेटर। तो विष्णु जो बाद में प्रत्यक्ष होता है, उसके साथ भी आता हूँ। सो विष्णु हु इज रिवील्ड लेटर, आई कम अलोंग विथ हिम एज वेल। और ब्रह्मा के साथ, ब्रह्मा के बगैर तो शिव आते ही नहीं है। जब आता हूँ तो जिस तन में आता हूँ उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। एंड विद ब्रह्मा, शिव डजंट कम विदाउट ब्रह्मा एट ऑल। व्हेन आई कम, द बॉडी इन विच आई कम, ही हैज टू बी नेम्ड ब्रह्मा। चाहे सुनाने के लिए आऊं, चाहे समझाने के लिए आऊं, चाहे प्रैक्टिकल कर्म कराने के लिए आऊं, करने के लिए आऊं, साथ होना जरूरी है ब्रह्मा के रूप में। नो मैटर इफ आई कम टू नरेट समथिंग, एक्सप्लेन समथिंग और मेक अदर्स परफॉर्म एक्शंस इन प्रैक्टिस or to perform actions myself, he needs to be along with him in the form of Brahma. क्यों? Why? क्योंकि गाया हुआ है ब्रह्मा सो विष्णु। It is because it is praised Brahma so Vishnu. तो ब्रह्मा एक हुआ या अनेक हुए? So is Brahma one or many? ब्रह्मा सो विष्णु। ब्रह्मा सो विष्णु।
अब विष्णु की तो चार भुजाएं हैं। नाउ विष्णु सर्टेनली हैज फोर आर्म्स। है तो ब्रह्मा की भी चार भुजाएं। इन फैक्ट ब्रह्मा टू हैज फोर आर्म्स। तो विष्णु की भी चार भुजाएं। भुजाएं हैं, कोई जड़ भुजाएं हैं या चैतन्य भुजाएं हैं? सो विष्णु ऑल्सो हैज फोर आर्म्स। स्पीकिंग अबाउट आर्म्स, आर दे फिजिकल आर्म्स और लिविंग आर्म्स? चैतन्य भुजाएं हैं। दे आर द लिविंग आर्म्स। तो जरूर चैतन्य आत्माएं भी होंगी। देन दे विल डेफिनेटली बी लिविंग सोल्स एज वेल। तो चार चैतन्य आत्माएं। सो द फोर लिविंग सोल्स। और भुजाएं अपने आप चलती हैं कि चलाने वाला होता है? डू द आर्म्स एक्ट ऑन देयर ओन और इज देयर समवन हु कंट्रोल्स देम? कोई चलाने वाला तो चाहिए। समवन टू कंट्रोल देम इज सर्टेनली नीडेड। तो उन चार भुजाओं को चलाने वाला एक और वो कौन? सो देयर इज वन मोर सोल हु कंट्रोल्स देम। हु इज ही? स्टूडेंट शिव बाबा। शिव बाबा विष्णु बनता है? डज शिव बाबा बिकम विष्णु? अरे शिव बाबा विष्णु बनता है? अरे डज शिव बाबा बिकम विष्णु? बनता है। डज ही? अरे अरे प्रजापिता। स्टूडेंट प्रजापिता। प्रजापिता ब्रह्मा, वो तो ब्रह्मा है। यस प्रजापिता ब्रह्मा इज सर्टेनली ब्रह्मा। वही मेन हो गया। स्टूडेंट ही अलोन इज मेन। क्योंकि उसके द्वारा बीज डालते हैं आदि में। इट इज बिकॉज द सीड इज सोन थ्रू हिम इन द बिगिनिंग। पिता के द्वारा बीज डाला जाता है ना। द सीड इज सोन बाय द फादर इजंट इट। आदि में बीज डालते हैं। इन द बिगिनिंग ही सोस द सीड। मध्य में समझाते हैं टीचर के रूप में। He explains in the form of the teacher in the middle. अंत में वर्षा भी देते हैं। And he also gives the inheritance in the end. तो प्रजापिता तो है। So there is definitely Prajapita. लेकिन प्रजापिता के साथ। But along with him. पिता तो पुरुष होता है या स्त्री होती है? पुरुष। Is the father male or female? है? पुरुष होता है। पुरुष। He is male and all the men are Duryodhan Dushasan. Student Duryodhan Dushasan. वर्धमान भाई जरूर जोर से बोलते हैं, पक्का अनुभव कर लिया क्या? Brother Brijmohan speaks loudly. Have you had a solid experience? Duryodhan sir Dushasan. All are Duryodhan and Dushasan. तो उनके द्वारा तो काम होने वाला नहीं है। So the task isn't going to be accomplished by them. काम क्या होना है? Which task is to be accomplished? नरक को स्वर्ग बनाना। The task of transforming hell into heaven. तो ये बाप की बात तो है नहीं। So it certainly isn't about the father. कलश किसके ऊपर रखा है? On whom is the urn of knowledge placed? कन्याओं माताओं के ऊपर कलश रखा है। It has been placed on the maidens and mothers. तो कन्याओं माताओं के रूप में कोई माताएं होनी चाहिए जो ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजावे। So there must be some mothers in the form of maidens and mothers who play the part in the form of Brahma. तो यज्ञ के आदि में भी माताएं कोई प्रसिद्ध है कि नहीं है? Were some mothers famous even in the beginning of the yagya or not? स्टूडेंट यस। कितनी? हाउ मेनी? दो माताएं थी। देर वर टू मदर्स। एक तो बोल बोल करने वाली। वन वॉज टॉकेटिव। और दूसरी? एंड वॉट अबाउट द अदर वन? बोल बोल नहीं कर रही थी। शी वॉज इन टॉकेटिव। क्योंकि भारत माताओं की खास विशेषता है। इट इज बिकॉज This is the special quality of the Indian mothers. Kya? What? Sahanshilta. Student, tolerance. हाँ सहनशीलता तो है। सहनशीलता ब्रह्मा का पुरुषोत्तम था तो सहनशीलता नहीं थी क्या? They certainly have tolerance. Brahma had a male body, so didn't he have tolerance?
स्टूडेंट्स ही डिड। उनसे ज्यादा तो सहनशीलता जगदम्बा में भी नहीं। इवन जगदम्बा डिडंट हैव मोर टॉलरेंस देन हिम। और उनसे ज्यादा सहनशीलता जो वैष्णो देवी का पार्ट बजाती है उसमें कहेंगे। एंड विल द वन हु प्लेस द पार्ट ऑफ वैष्णव देवी बी सेड टू हैव मोर टॉलरेंस देन हिम? उसमें भी नहीं कहेंगे। शी वोंट बी सेड टू हैव दैट ईदर। ब्रह्मा ने पुरुष चोला होते हुए जितना सहन किया बच्चों का उतना प्रैक्टिकल जीवन में और किसी ने सहन ही नहीं किया। द एक्सटेंट टू विच ब्रह्मा डिस्पाइट हैविंग अ मेल बॉडी टॉलरेटेड द चिल्ड्रन नो वन एल्स डिड इट टू दैट एक्सटेंट इन देयर लाइफ इन प्रैक्टिस। इसलिए सत्युग में जब कृष्ण बच्चे के रूप में जन्म लेते हैं, दिस इज वाई When he is born as child Krishna in the golden age, तो पहला पत्ता है ना सृष्टि का पहला पत्ता। He is the first leaf, isn't he? He is the first leaf of the world. पहला पत्ता ज्यादा सात्विक होगा या दूसरा चौथा आसवा पांच साढ़े पांच सौ सावन साढ़े पांच सौ करोड़वा? Will the first leaf be more सात्विक or will the second, fourth, eighth, 5 billionth or 550 billionth? लीफ बी मोर सात्विक। पहला पत्ता ज्यादा सात्विक। द फर्स्ट लीफ विल बी मोर सात्विक। तो बाप की सारी ताकत किसमें आती है? पहले बच्चे। सो इन हुम डज द एंटायर पावर ऑफ द फादर गो? बच्चे में आ जाती है। इट गोज इन द फर्स्ट चाइल्ड। तो वो ताकत कौन सी ताकत थी? व्हाट वाज दैट पावर? संगम युग में कौन सा पुरुषार्थ किया? विच पुरुषार्थ डिड ही मेक इन द कॉन्फ्लुएंस एज? जो ये ताकत आ गई। दैट ही गॉट दिस पावर। स्टूडेंट प्यूरिटी नहीं। नो ठीक ही नहीं। नॉट प्यूरिटी। स्टूडेंट द पावर ऑफ टॉलरेंस। हाँ सहन शक्ति की ताकत। यस द पावर ऑफ टॉलरेंस। तो ब्रह्मा ने सहन तो किया। सो ब्रह्मा डिड टॉलरेट। वो बात नहीं। इट इजंट अबाउट दैट। लेकिन प्रैक्टिकल स्वर्ग स्थापन करके नहीं दिखाया। बट ही डिडंट प्रूव हिमसेल्फ बाय एस्टैब्लिशिंग हेवन इन प्रैक्टिस। तो वो शक्ति जो है वो प्योरिटी में है। सो दैट पावर इज इन प्योरिटी। वो प्योरिटी की पावर माताओं में होती है। दैट पावर ऑफ प्योरिटी इज इन द मदर्स। ब्रह्मा में या प्रजापिता में नहीं कह सकते। It can't be said that it is in Brahma or Prajapita. तो वो शक्ति जो so that power वैष्णवी देवी अथवा ब्रह्मा की वो रूप वैष्णवी देवी और that form of Brahma पांच मुख दिखाते हैं ब्रह्मा को। ब्रह्मा is shown to have 5 heads, isn't he? तो ब्रह्मा का वो रूप जो प्रैक्टिकल करके दिखाता है। So the form of Brahma who sets an example by doing the task in practice, वो वैष्णवी शक्ति कहो वैष्णो देवी कहो ब्रह्मा का वो प्रैक्टिकल रूप कहो। कॉल हर वैष्णवी शक्ति वैष्णव देवी और द फॉर्म ऑफ ब्रह्मा इन प्रैक्टिस। मुख से बोले ना, मुख से बोलना बड़ी बात या प्रैक्टिकल कर्म करके दिखाना बड़ी बात? She shouldn't speak anything through her mouth. Is it a big thing to speak something through the mouth or is it a big thing to set an example by performing actions in practice? Asar zyada kiska padta hai? What has more impact? Karke dikhayenge. Jo karke dikhaye uska zyada asar padta hai? The one who does something in practice has more impact. To practical karma karke jisne dikhaya practical party kehte hain. Advanced party ke 3 group. So the one who sets an example by performing the actions in practice is called the practical party. There are 3 groups of the advanced party. Ek planning group. First is the planning group. Rudramala. That is the Rudramala. Dusra inspirating group. Second is the inspiriting group. Jo pravesh karne wali atma inspirate karti hai.
जैसे ब्रह्मा सरस्वती द सोल्स हू एंटर अदर्स एंड इंस्पायर देम लाइक ब्रह्मा एंड सरस्वती और तीसरा प्रैक्टिकल करने वाला थर्ड इज दैट विच परफॉर्म्स एक्शंस इन प्रैक्टिस तो जो प्रैक्टिकल ग्रुप में वो ब्रह्मा का चेहरा है जो आखरी विष्णु बनता है सो द प्रैक्टिकल ग्रुप हैज दैट हेड ऑफ ब्रह्मा हु बिकम्स विष्णु इन द एंड तब प्रजापिता का भी काम पूरा होता है और दादा लेखराज ब्रह्मा का भी काम पूरा होता देन द टास्क ऑफ प्रजापिता एज वेल एज दादा लेखराज ब्रह्मा इज कम्प्लीटेड और दादा लेखराज ब्रह्मा को सहयोगी के रूप में सहयोग शक्ति के रूप में किसने विशेष कार्य करके दिखाया एंड हु सेट एन एग्जाम्पल बाय परफॉर्मिंग अ स्पेशल टास्क एज द हेल्पर द हेल्पिंग कॉन्सर्ट ऑफ दादा लेखराज ब्रह्मा कौन ब्रह्मा कुमार कुमारी था विच ब्रह्मा कुमार कुमारी वॉज इट कोई तो होगा जिसने ब्रह्मा को 100% योगदान दिया सहयोगी देन मस्ट बी समवन हु गेव 100% कोऑपरेशन टू ब्रह्मा हु वाज सपोर्टिव स्टूडेंट ओम राधे मामा ना वैष्णवी देवी ने दिया ना प्रजापिता ने दिया नीदर वैष्णवी देवी नॉर प्रजापिता गेव इट दिया डिड ही ना जगदम्बा ने दिया जगदम्बा डिडंट गिव इट ईदर किसने दिया हु गेव इट मम्मा ने फॉलो करके दिखाया मम्मा सेट एन एग्जाम्पल बाय फॉलोइंग हिम तो वो भी तो एक विशेषता है ना ब्रह्मा के चेहरे की सो दिस टू इज अ स्पेशलिटी ऑफ वन ऑफ द हेड्स ऑफ ब्रह्मा इजंट इट वो भी एक चेहरा है शी इज ऑल्सो अ हेड तो ये पांच ब्रह्मा के मुख हैं और पांच ही विष्णु में कार्य करने वाली विष्णु रूप आत्माएं हैं सो दीज आर द फाइव हेड्स ऑफ ब्रह्मा एंड द फाइव सोल्स लाइक विष्णु हु वर्क इन हिम अभी विष्णु की प्रत्यक्षता हुई है क्या हैज विष्णु बीन रिवील्ड येट है तीसरी मूर्ति प्रैक्टिकल मैदान में आई चलो बुद्धि में तो प्रत्यक्ष हो गई हैज द थर्ड पर्सनैलिटी कम टू द फील्ड इन प्रैक्टिस ऑल राइट शी वॉज रिवील्ड इन द इंटेलेक्ट बुद्धि में प्रत्यक्ष होना कि अमुक आत्मा के द्वारा ये पार्ट चलने वाला है ये बात अलग टू बी रिवील्ड इन द इंटेलेक्ट दैट दिस पार्ट इज गोइंग टू बी प्लेड बाय सो एंड सो सोल इट इज डिफरेंट लेकिन प्रैक्टिकल मैदान में स्टेज पर आकर के पार्ट बजा रही है नहीं बजा रही बट इज शी प्लेइंग द पार्ट आफ्टर कमिंग इन द फील्ड ऑन द स्टेज इन प्रैक्टिस शी इजंट तो प्रैक्टिकल मैदान में आकर के जब पार्ट बजावे प्रैक्टिकल प्रत्यक्षता करके दिखावे तो ये हेडिंग की बात पूरी होती है सो When she comes in the field in practice and plays a part, when she sets an example by performing the task of the revelation in practice, this topic of the heading is accomplished. कि बाप की प्रत्यक्षता का काम पूरा हो गया. That the task of the father's revelation is completed. तो से किसको मिला प्रत्यक्षता का विशेष? So, who got the credit of revealing the father in particular? मम्मा. मम्मा कौन सी मम्मा को विच मम्मा वैष्णवी वैष्णवी शक्ति स्टूडेंट वैष्णवी देवी वैष्णवी शक्ति छोटी माँ जो लक्ष्मी के रूप में प्रत्यक्ष हो उसको ये श्रेय मिलता है प्रैक्टिकल संसार में बाप की प्रत्यक्षता करने का द जूनियर मदर हु इज रिवील्ड एज लक्ष्मी शी गेट्स दिस क्रेडिट ऑफ रिवीलिंग द फादर इन द वर्ल्ड इन प्रैक्टिस तो प्रैक्टिकल प्रमाण ही तो प्रत्यक्ष प्रमाण है सो द प्रैक्टिकल प्रूफ इटसेल्फ इज द एविडेंट प्रूफ बड़े बड़े साधु सन्यासी धर्म पिताएं महात्माएं ऋषि मुनि सन्यासियों ने कितना भाषणबाजी की है द ग्रेट सेजेस सेंट्स रिलीजियस फादर्स होली मेन मॉन्क्स एंड सन्यासीज डिलीवर्ड सो मेनी स्पीचेस क्या भगवान बाप को प्रत्यक्ष कर सके इस संसार में नहीं नहीं कुड दे रिवील गॉड द फादर इन द वर्ल्ड
नो। तो बोल बोल करने की कोई खासियत नहीं है। सो देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट स्पीकिंग। खासियत किस बात में है? व्हाट इज स्पेशल? प्रैक्टिकल प्रूफ दे के दिखाए अपने प्रैक्टिकल जीवन का, उसको कहेंगे विशेषता, जो विशेषता और किसी में नहीं आई। इफ समवन सेट्स एन एग्जांपल बाय गिविंग अ प्रूफ इन प्रैक्टिस, द प्रूफ ऑफ वन्स प्रैक्टिकल लाइफ, दैट विल बी कॉल्ड अ स्पेशलिटी दैट नो वन एल्स हैज। तो कितनी आत्माएं हुई विष्णु के रूप में प्रत्यक्ष होने वाली? सो हाउ मेनी सोल्स आर रिवील्ड इन द फॉर्म ऑफ विष्णु? पांच आत्माएं। फाइव सोल्स। जब शिव प्रत्यक्ष होगा वो तो बिंदी है। व्हेन शिव इज रिवील्ड ही सर्टेनली द पॉइंट। मेरी तो बिंदी का ही नाम शिव है। द नेम ऑफ माई पॉइंट इटसेल्फ इज शिव। वो कभी बदलता नहीं। इट नेवर चेंजेस। तो बिंदी तो कैसे देखने में आएगी? पता नहीं चलेगी। 500 करोड़ आत्माएं सब बिंदी, कीड़े मकोड़े पशु पक्षी सब बिंदी, कैसे पता चले कौन बिंदी और कहां प्रत्यक्ष हुआ? सो हाउ विल द पॉइंट बी विजिबल? नो वन विल कम टू नो अबाउट इट। ऑल द 5 billion सोल्स आर पॉइंट। Everyone, including insects, spiders, animals and birds are points. How will you come to know which point he is and where he was revealed? तो जब विष्णु प्रत्यक्ष होता है, so when Vishnu is revealed, तो शंकर की भी प्रत्यक्षता हो जाती है और ब्रह्मा की भी प्रत्यक्षता हो जाती है। The revelation of Shankar as well as Brahma takes place. और वैष्णवी शक्ति के साथ साथ महालक्ष्मी जगदम्बा भी प्रत्यक्ष हो जाती है। एंड टूगेदर विद वैष्णवी शक्ति महालक्ष्मी जगदम्बा इज ऑल्सो रिवील्ड। तो ये पांच आत्माएं शिव जयंती के साथ विशेष रूप से जुड़ी हुई हैं। सो दीज 5 souls आर एस्पेशली कनेक्टेड विद शिव जयंती, दैट इज द बर्थडे ऑफ शिव। ये तो एक स्वरूप हो गया जिसको भक्ति मार्ग में मानते हैं भगवान विष्णु। Well, this was one form who is considered Lord Vishnu in the path of bhakti. जितने भी अवतार हुए तो किसके अवतार मानते हैं? विष्णु के अवतार। चाहे राम का अवतार हो तो कहेंगे विष्णु का अवतार। All the incarnations that have taken place, whose incarnations are they considered to be? Of Vishnu. Be it the incarnation as Ram, they say it is the incarnation of Vishnu. चाहे कृष्ण का अवतार हो तो क्या कहेंगे? विष्णु का अवतार। पीट द इनकारनेशन ऑफ कृष्ण, व्हाट डू दे से? इट इज द इनकारनेशन ऑफ विष्णु। तो वो तो भगवान हो गया। वेल ही इज गॉड। लेकिन भगवान को फिर प्रत्यक्ष करने वाले कौन? बट हु आर दोस हु रिवील हिम? वो चाहिए या नहीं चाहिए अलग से, या भगवान अपने आप अपने को प्रत्यक्ष करेगा? Are some others required to reveal him or not? Or will God reveal himself? Student, they are required. वैष्णवी शक्ति। वैष्णवी शक्ति। देखो जितना श्रेष्ठ होता है कोई तो वो अपनी बढ़ाई अपने मुंह से नहीं करता। Look, the more elevated someone is, he doesn't praise himself. ये श्रेष्ठता की बात है, अपने को दूसरों का उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए अपने को नीचा करना और दूसरों को। इट इज अ साइन ऑफ बीइंग एलिवेटेड टू लोअर योर सेल्फ टू इंक्रीज द जील एंड एंथुसियाज्म ऑफ अदर्स एंड टू स्टूडेंट्स एलिवेट अदर्स। बाबा भी आके क्या कहते हैं? बच्चे आई एम योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। व्हाट डज इवन बाबा से व्हेन ही कम्स? चिल्ड्रन, आई एम योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ। आई एम योर सर्वेंट। तो नीचा करके दिखाया है, ऊंचा करके दिखाया? सो डिड ही शो हिमसेल्फ टू बी इंफीरियर और सुपीरियर? नीचा करके दिखाया। ही शोड हिमसेल्फ टू बी इंफीरियर। तो ये श्रेष्ठता जो है वो विष्णु के रूप में प्रत्यक्ष होने वाला जो स्वरूप है वो नहीं करता। सो द पर्सनैलिटी हु इज रिवील्ड एज विष्णु डजंट शो दिस ग्रेटनेस। कौन है? हु इज इट? नहीं। स्टूडेंट, वैष्णवी देवी।
नो वो तो स्वयं ही विष्णु में शामिल है. शी हरसेल्फ इज इंक्लूडेड इन द फॉर्म ऑफ विष्णु. स्टूडेंट चिल्ड्रन कौन बच्चे हैं वो. विच चिल्ड्रन आर दे. वो बच्चे कौन है जो विष्णु रूप में प्रत्यक्ष होने वाले बाप की प्रत्यक्षता करते हैं. विच चिल्ड्रन रिवील द फादर इन द फॉर्म ऑफ विष्णु. स्टूडेंट एट कौन आठ. हु एट. स्टूडेंट एट जेम्स. हाँ यस जो अष्टदेव हैं वो बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनते हैं. द अष्टदेव्स बिकम द इंस्ट्रूमेंट्स टू रिवील द फादर. आठ धर्मों के आठ विशेष बीज रूपात्मय जिन्हें उन उन धर्म वाले अपना क्या मानते हैं पूर्वज मानते हैं. द एट स्पेशल सीड फॉर्म सोल्स ऑफ द एट रिलीजन्स होम. वॉट डू द पीपल ऑफ द रेस्पेक्टिव रिलीजन्स कंसिडर देम टू बी. They consider them as their ancestors. कि हमारे धर्म में सबसे पहले कौन पैदा हुआ. If you ask them who are born first of all in your religion, तो कहेंगे ये हुए. They will say these Ashtadevs are the ones who are born. तो total कितने हुए. So how many are they in total? 13. Student 13. तेरह काम में. हाउ आर दे 13. अच्छा शिव ज्योति बिंदु को मिला के. अच्छा इंक्लूडिंग द पॉइंट ऑफ लाइट शिव. 12 हुए. नहीं हाँ. स्टूडेंट दे आर 12. यस सात बाप को छोड़कर. बाप तो हीरो है. दे आर 7 एक्सक्लूडिंग द फादर. द फादर इज सर्टनली द हीरो. अष्टदेव में पहला है. He is the first among the Ashtadevs. Dev Dev Mahadev. He is Dev Dev Mahadev. Usko chhod ke saat aur dharmon ke beej hue na. Apart from him, there are 7 seeds of other religions, aren't there? Aur dharmon ke purvaj hue. They are the ancestors of other religions. Hai to pakke Suryavanshi. They are definitely firm Suryavanshis. Lekin phir bhi number war to hai na. Nevertheless, they are definitely number wise, aren't they? तो नंबर वन होने के कारण वो और धर्मों के बीज साबित हो जाते हैं. तो सात वो बारह और पांच विष्णु के रूप धारण करने वाली आत्माएं. Because of being number wise, they are proved to be the seeds of other religions. So, there are 7 souls and there are another 5 souls who take on the form of Vishnu. कितने हुए. बारह. और एक शिव. हाउ मेनी आर दे. 12 एंड 1 शिव बाबा. तो ये नई दुनिया की शुरुआत होती है. इनके बगैर नई दुनिया नहीं होती. सो दे मार्क द बिगिनिंग ऑफ द न्यू वर्ल्ड. द न्यू वर्ल्ड डजंट बिगिन विदाउट देम. तो भक्ति मार्ग में कहते हैं जब कोई मरे मरता है तो नई दुनिया में जाएगा. इट इज सेड इन द पाथ ऑफ भक्ति व्हेन समवन डाइज ही विल गो टू द न्यू वर्ल्ड. उसकी दुनिया नई हो जाएगी कि नहीं. विल हिज वर्ल्ड बिकम न्यू और नॉट. कि पुरानी दुनिया में रहेगा. और विल ही रिमेन इन द ओल्ड वर्ल्ड. कहीं दूसरी जगह जहाँ कहीं जन्म लेगा उसकी दुनिया नई होगी. वेर एवर ही इज बॉर्न द वर्ल्ड इज न्यू फॉर हिम. तो नई दुनिया तब तक नहीं जाएगा जब तक तेरहवीं नहीं होगी. सो ही वोंट गो इन द न्यू वर्ल्ड अंटिल द तेरहवीं इज ऑब्जर्व्ड. तेरहवीं इज द 13th डे आफ्टर अ डेथ व्हेन एन ऑफरिंग ऑफ फूड इज मेड टू एंसेस्टर्स एंड ब्राह्मण्स. तेरह ब्राह्मणों को खास खिलाते हैं. दे स्पेशली फीड 13 ब्राह्मण्स. तो बोला सो इट वॉज सेड ये विचित्र जयंती है. दिस इज अ यूनिक बर्थडे. ऐसी जयंती सारे कल्प में कभी नहीं होती. सच अ बर्थडे नेवर टेक्स प्लेस इन द होल साइकिल. कैसी जयंती. व्हाट काइंड ऑफ अ बर्थडे. जो बाप की जयंती और बच्चों की जयंती साथ साथ हो.
that the birthday of the father and the children is together. कभी होती है? Does it ever happen? बाप भी पैदा हो गया और उसी दिन बच्चा भी पैदा हुआ. That the father and the son are born on the same day. तो ये जयंती सिर्फ मना ली. So, did they just celebrate this? कौन सी तारीख की शिवरात्रि थी? When was शिवरात्रि? Student, 11th. 11 फरवरी की. 11th February. तो ये जयंती सिर्फ मनाई है या प्रैक्टिकल हुई है? So, have they just celebrated this birthday or did it happen in practice? मनाई है. मनाई है. Students, it was just celebrated. मनाई गई है. It was just celebrated. वाणी तो ब्रह्मा कुमारी के सामने बोली गई ना. The वाणी was narrated in front of the ब्रह्मा कुमारीज, wasn't it? Students, yes. तो वहाँ मनाने की बात बाबा ने बोली या प्रैक्टिकल जयंती हुई? So, did बाबा speak about celebrating there? Or did the birthday happen in practice? मनाने की बात बोली. He spoke about celebrating it. कि तुम मनाए रहे हो. That they are celebrating it. तो मनाई बाद में जाती है और practical पहले होती है. It is celebrated later and the practical thing happens first. तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों को याद आ रहा है कि पहले कब हुई थी? So, do the Brahma Kumar Kumaris remember when it took place first? उनको तो पता ही नहीं. They don't know about it at all. अच्छा, advance party वालों को पता है? Well, do the people of the advance party know? कि ये जयंती कब होती है? When this birthday takes place. जहाँ बाप भी पैदा होता है और बच्चे भी पैदा होते हैं साथ ही साथ. When the father as well as the children are born together. Student replies. पता चल गया? अच्छा बताओ. Did you come to know it? अच्छा tell me. बताओ कब होती? Tell me when does it take place? ये शुरू में हुई थी. Student, it took place in the beginning of the yagya. यज्ञ के शुरू में 18 हो गए, 13 हो गए थे. Were there 13 souls in the beginning of the yagya? 13 जन्म ले लिए. Were 13 souls born together? मन बुद्धि से उस हिसाब से. मन बुद्धि से भी कैसे? बताओ. Student, I mean according to the mind and intellect. How does it happen even through the mind and intellect? Tell me. शुरू में भी तो तीन ही थे. Student, in the beginning, even in the beginning, there were only three personalities. ब्रह्मा विष्णु शंकर और चौथा शिव. That is ब्रह्मा विष्णु शंकर and the fourth one was शिव. चार आत्माओं के अलावा और तो नहीं कहेंगे और वो भी किसी ने पहचाना नहीं. पहचाना. No one other than the four souls will be said to be present at that time. In fact, no one recognized them either. भाई जयंती जब जन्म होता है. Well, when someone is born. बच्चा जन्म लेना माने प्रत्यक्ष होना संसार में. A child is born means he is revealed in the world. तो जब बच्चा बाहर आता है प्रत्यक्ष होता है. पहले गुप्त था. पहले गर्भ में गुप्त था फिर बाद में प्रत्यक्ष हुआ संसार के सामने आ गया तो जयंती बनी. So, when the child comes out of the womb, he is revealed. Earlier, he was hidden. He was hidden in the womb earlier. Later on, he was revealed. He came in front of the world. So, his birthday was celebrated. जयंती माने क्या? What does birthday mean? जयंती माने जीव में आत्मा जीवन में आ गई. शरीर के साथ. It means the soul in a living being came to life along with the body. तो प्रत्यक्ष हो गई. So it was revealed. तो दुनिया वालों ने ढोल मजीरा बजाना शुरू किया कि हाँ भाई आ गई. The people of the world started beating drums and playing instruments saying yes he has come. तो ऐसी जयंती जो सारी दुनिया को पता चले कि हमारा बाप आ गया. So, such a birthday that the entire world would come to know, our father has come. वो सिर्फ मना ली है. It was just celebrated. अभी प्रैक्टिकल में वो जयंती हुई नहीं है. It hasn't taken place in practice yet.
मनाने वाले मनाते भी हैं और फिर शिव जयंती पर झंडा लहरा देते हैं त्रिमूर्ति का। दोस्तों सेलिब्रेटेड नॉट जस्ट सेलिब्रेटेड बट ऑल्सो होइस्ट द त्रिमूर्ति फ्लैग ऑन शिव जयंती। तो कपड़े का झंडा लहरा देते हैं या चैतन्य शरीर रूपी वस्त्र संसार में बुलंद करते हैं। So do they hoist the flag of cloth or do they exalt the personalities with the living cloth-like bodies in the world? कपड़े का झंडा लहरा देते हैं चैतन्य शरीर रूपी वस्त्र धारण करने वाली आत्माएं तो संसार में बुलंद उनके नाम तो नहीं बुलंद होते। They hoist the flag of cloth. The names of the souls with the living cloth-like body aren't exalted in the world. तो पूछा बाप दादा सभी बच्चों से पूछ रहे हैं। So it was asked. Bap Dada is asking all the children. कि आप सभी बाप को बधाइयां देने आए हो बाप से बधाइयां लेने आए हो। Have all of you come to congratulate the father or have you come to receive congratulations from him? हाँ? बधाई कब दी जाती है? When is someone congratulated? जब काम होता है कोई खुशी का काम होता है तभी बधाइयाँ दी जाती है ना। When a task is accomplished, when a task that brings happiness is accomplished, it is then that you congratulate someone, don't you? तो देने आए हो या लेने आए हो? So have you come to give it or receive it? Student, we have come for both. दोनों आए हैं। Have you come for both? झूठ है। In a fake sense. खुशी हुई नहीं। You didn't really become happy. Practical बाप ने जन्म लिया नहीं। The father didn't have a birth in practice. बधाइयां देने आ गए। But you came to congratulate him. अरे? अरे? अभी समझ में नहीं आया। Haven't you understood it yet? जन्म हुआ या नहीं हुआ बाप और बच्चों का? Were the father and the children born or not? Student, they were. हुआ लो। They were लो। कब हुआ? When did it happen? उन ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने तो दुनिया वालों को नकल कर ली। Those ब्रह्मा कुमार कुमारीज imitated the people of the world. कि देखो शिवरात्रि जो है वो माघ मास में या फाल्गुन मास में त्रयोदशी को होती है तो दुनिया वाले मनाते हैं तो हम भी मनाना शुरू कर दिया। Look, शिवरात्रि falls on the 13th day of the month फाल्गुन और माघ. That is names of the Hindu months corresponding to February, March. As the people of the world celebrate it, they too started celebrating it. अभी तक भी मनाते चले आ रहे हैं। They have been celebrating it till now. बाप दादा ब्रह्मा के जो पाठ चलता है गुलजार दादी में वो भी तो बच्चा बुद्धि आत्मा है ना, वो भी उनकी रह में रह में ला रही है। हाँ बच्चे शिव जयंती हो गई क्या तो मनाने आए हो ना, तो पूछा बाप दादा द पार्ट ऑफ ब्रह्मा दैट इज प्लेड इन दादी गुलजार ही टू इज द सोल विद अ चाइल्ड लाइक इंटेलेक्ट इजंट ही आल्सो एग्रीज विद देम सेइंग यस चिल्ड्रन शिव जयंती हैज टेकन प्लेस व्हाट यू हैव कम टू सेलिब्रेट इट हैवंट यू सो इट वाज आस्क्ड कि बाप से बधाइयां लेने आए हो या देने आए हो। Have you come to receive greetings from the father or have you come to congratulate him? क्या करने आए हो? What have you come for? बधाइयां लेने आए हो। Student, to receive greetings. Have you come to receive greetings? बाप का ही जन्म हुआ अब बाप से ही बधाइयां लेने आए। The father himself was born and you have come to receive greetings from him. बाप दादा अकेला कुछ नहीं करता। बाप दादा अलोन डजंट डू एनीथिंग क्योंकि जन्म लेते इट इज बिकॉज एज सून एज ही वॉज बॉर्न बाप दादा ने जन्म लेते ही यज्ञ रचा। एज सून एज बाप दादा वॉज बॉर्न ही क्रिएटेड द यज्ञ। क्या कहा? व्हाट वॉज सेड? बाप दादा ने क्या किया? What did बाप दादा do? जन्म लेते ही कुछ किया कि नहीं किया? Did he do something as soon as he was born or not? यज्ञ रचा। यज्ञ माने? He created the यज्ञ। What does यज्ञ mean? क्या स्वाहा स्वाहा करने वाला?
इज इट द वन इन विच यू डू स्वाहा स्वाहा? घी तिल स्वाहा करने वाला? इज इट द वन इन विच यू ऑफर घी एंड ऑयल? क्या था है? क्या यज्ञ रचा? स्टूडेंट नो, विच यज्ञ डिड ही क्रिएट? ज्ञान यज्ञ रचा? कैसे रचा? ही क्रिएटेड द यज्ञ ऑफ नॉलेज. हाउ डिड ही क्रिएट इट? अरे शिव परम नाम से आया. अरे शिव केम फ्रॉम द सुप्रीम अबोर्ड. और आकर के उसने ब्रह्मा बड़ी अम्मा में प्रवेश किया. After coming in this world, he entered Brahma, the senior mother. Dada Lekhraj mein pravesh kiya? Did he enter Dada Lekhraj? Nahi. No. Jo badi maa ka paatdhari tha, usme pravesh kiya. Jo badi maa, wo bol bol karne mein hoshiyar thi. He entered the actor who played the part of the senior mother, the one who was skilled in talking. Kya? What? बोल बोल करने में खूब होशियार थी. उसके सामने किसी की कोई की भी बोलती नहीं चलती, सबकी बोलती बंद हो जाती. She was very skilled in talking. No one is able to speak in front of her. Everyone is dumbfounded. जब वो संपन्न स्टेज में पार्ट बजाती है संसार में, तो इतनी बड़ी जीव लेकर के पार्ट बजाती है कि सबकी बोलती. Look, when she plays a part in the perfect stage in the world, she plays the part that has such a long tongue that everyone's speech. साहब चाहे असुर हो चाहे देवता हो, कोई उसके सामने बोल बोल करने में आगे नहीं जा सकता. All, no matter whether they are demons or deities, no one can surpass her in talking. तो उसमें पहले प्रवेश किया और प्रवेश करके दादा लेखराज ब्रह्मा के साक्षात्कारों का रहस्य सुनाया या सिर्फ साक्षात्कारों की बात सुनाई? बात सुनाई. सो ही एंटर्ड हर फर्स्ट ऑफ ऑल एंड आफ्टर एंटरिंग हर डिड ही नरेट द सीक्रेट्स ऑफ द विजन्स ऑफ दादा लेखराज ब्रह्मा और डिड ही जस्ट नरेट द विजन्स? ही नरेटेड द विजन्स. तो सुनने वाले कौन थे उस समय मौजूद? Who were present at that time? Who listened to it? दो बच्चे थे. हैं? दो थे प्रजापिता. Student, there were two souls. One was Prajapita and प्रजापिता मौजूद था और वैष्णवी. और वैष्णवी माँ जो छोटी माँ के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होगी, वो भी जो नारी से लक्ष्मी बनती है, वो भी मौजूद थी. प्रजापिता वॉज प्रेजेंट एंड मदर वैष्णवी who will be revealed in the world as the junior mother who transforms from a woman to Lakshmi, she was also present there. To pravesh kiya, sunana shuru kiya, to sunane ke saath hi saath Prajapita ne suna hi sirf ya samjha bhi? Samjha bhi. Suna bhi aur samjha bhi. So he entered her. When he started narrating the visions along with listening to it, did Prajapita just listen to it or did he understand it as well? He listened as well as understood it. Dono kaam saath hue. Both activities took place simultaneously. Mana? It means? Beej pad gaya. The seed was sown. Gyan ka beej pada. The seed of knowledge was sown. Gyan yagya racha na? The yagya of knowledge was created, wasn't it? तो ज्ञान का बीज सबसे पहले किस में पड़ा? सो इन हुम वॉज द सीड ऑफ नॉलेज सोन फर्स्ट ऑफ ऑल? इसलिए गीता में लिखा है मैं जब आता हूँ तो सबसे पहले सूर्य को ज्ञान देता हूँ. स्टूडेंट इन प्रजापिता. दिस इज वाई इट हैज बीन रिटर्न इन द गीता व्हेन आई कम आई गिव द नॉलेज टू द सन फर्स्ट ऑफ ऑल. दादा लेखराज को नहीं देता हूँ? डोंट आई गिव इट टू दादा लेखराज फर्स्ट? क्या? वॉट? ओम राधे मम्मा के को ज्ञान का बीज नहीं पड़ता पहले? Isn't the seed of knowledge sown in ओम राधे मम्मा फर्स्ट ऑफ ऑल? जगदम्बा को भी वो ज्ञान का बीज नहीं पड़ता? इट isn't sown इन जगदम्बा either. वो सिर्फ सुनती है सुनाती है. वो भक्ति का बीज डालने के निमित्त बनी या ज्ञान का बीज डालने के निमित्त बनी?
भक्ति का बीज डाला गया उसके द्वारा। Does she just listen and narrate the visions? Did she become the instrument to sow the seed of bhakti or of knowledge? Student, the seed of bhakti. The seed of bhakti was sown through her. ज्ञान का बीज किसमें पड़ा? In whom was the seed of knowledge sown? प्रजापिता में। उसी तक्षण जैसे ही बड़ी माँ में प्रवेश किया, सुनाया उसी क्षण प्रजापिता में प्रवेश किया समझने और समझाने के लिए। इन प्रजापिता द मोमेंट ही एंटर्ड द सीनियर मदर एंड नरेटेड द विजन्स एट द सेम मोमेंट ही एंटर्ड प्रजापिता टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन द सीक्रेट। तो दो कार्य हुए, एक सुनना सुनाना और दूसरा समझना समझाना। सो टू एक्टिविटीज टुक प्लेस साइमल्टेनियसली, वन वॉज लिसनिंग एंड नरेटिंग द विजन्स and the other was understanding and explaining their secret. एक को कहते हैं ज्ञान और एक को कहते हैं भक्ति। One is called knowledge and the other is called bhakti. ये दोनों both of them ज्ञान में भी ताकत और भक्ति में भी ताकत। There is might in knowledge as well as bhakti. लेकिन भक्ति में रावण की ताकत या ईश्वर की ताकत। बट डज भक्ति हैव द माइट ऑफ रावण और ऑफ गॉड? स्टूडेंट रावण। रावण की शक्ति होती है। इट हैज द माइट ऑफ रावण। और ज्ञान में ईश्वरीय शक्ति होती है। वेयरएज नॉलेज हैज द ईश्वरीय माइट। तो साथ ही साथ सुना, साथ ही साथ समझा और साथ ही साथ समझाया भी। He listened to it, understood it as well as explained it simultaneously. किन साक्षात्कारों का ये अर्थ हुआ? This is the meaning of these visions. तो बताया? So it was said. कि जन्म लेते ही यज्ञ रचा। He created the yajna as soon as he was born. ज्ञान यज्ञ की रचना हो गई, ज्ञान का बीज पड़ गया। The yajna of knowledge was created. The seed of knowledge was sown. एक में ही पड़ा या औरों में भी पड़ा? एक में ही पड़ा। Was it sown only in one soul or was it sown in others too? एक में ज्ञान का बीज पड़ा। तो यज्ञ में ब्राह्मण चाहिए। The seed of knowledge was sown in one soul, so Brahmins are required in the yajna. पहला पहला ब्राह्मण कौन हुआ? Who is the first Brahmin? पहला पहला ब्राह्मण प्रजापिता हुआ। प्रजापिता इज द फर्स्ट ब्राह्मण। ब्राह्मण चाहिए तो आपका भी जन्म बाप के साथ हुआ। ब्राह्मण्स आर रिक्वायर्ड, सो यू वर आल्सो बोर्न अलोंग विद द फादर। इसका मतलब जब प्रजापिता में ज्ञान का बीज पड़ा तो जो दो माताएं थी साथ में उनमें ज्ञान का बीज नहीं पड़ा। इट मीन्स व्हेन द सीड ऑफ नॉलेज वाज सोन इन प्रजापिता, It wasn't sown in the other two mothers who were along with him. पड़ा? Was it sown? नहीं पड़ा। फिर पहले किस में पड़ा? It wasn't. Then, in whom was it sown first of all? है? अरे कोई तो बच्चे होंगे जिनमें ज्ञान का बीज पड़ा। अरे there would certainly be some children in whom the seed of knowledge was sown. छोटी। Student, the junior mother. छोटी मामा पड़ा। Was it sown in the junior mother? उन्होंने समझा कि बाप कौन था? Did she understand who the father was? नहीं समझा। अगर समझा होता तो दादा लेकर आज ब्रह्मा का साथ देती या प्रजापिता के साथ जाती? Had she understood it, would she support दादा लेखराज ब्रह्मा और would she go with प्रजापिता? किसका साथ देती? प्रजापिता का। Whom would she support? Student, प्रजापिता। अरे ब्रह्मा बाबा तो उनके छोटे भाई थे। अरे ब्रह्मा बाबा वॉज हर यंगर ब्रदर। उनके साथ रहना कोई बड़ी खास बात नहीं, बहन होती है या तो भाई के घर में रहती है या तो पति के पास रहती है। इट इज नॉट अ बिग डील दैट शी स्टेड विद हिम। अ सिस्टर स्टेज इधर एट हर ब्रदर्स हाउस और एट हर हस्बैंड्स हाउस। लेकिन क्या उनकी बुद्धि में ये बैठा कि ये की पिता कौन? But did it sit in her intellect who the father of the yajna is? नहीं। No. न उनकी बुद्धि में बैठा
न बड़ी माँ की बुद्धि में बैठा, तो फिर किसकी बुद्धि में बैठा? It sat neither in her intellect nor in the intellect of the senior mother. Then, in whose intellect did it sit? Student, Prajapita. Prajapita, वो तो अंदर की बात अंदर ही रही ना? Prajapita, it was something internal. It just remained inside, didn't it? बाहर आनी चाहिए ना? It should come out, shouldn't it? गीता माता? Student, the mother Gita. The mother Gita? अगर उनकी बुद्धि में बैठा होता तो इनका साथ क्यों देती दादा लेखराज का? Had it sat in her intellect, why would she support दादा लेखराज? फिर तो किस पक्ष में जाती? दो पार्टियां हो गई. Then, in which party would she go? There were two parties. एक ओम मंडली जो कही गई उसमें एंटी ओम मंडली दूसरी पार्टी थी. One was called ओम मंडली and the other party was एंटी ओम मंडली. झगड़ा हो गया ना यज्ञ के आदमी. There was a dispute in the beginning of the yagya, wasn't there? तो जो झगड़ा हुआ उस झगड़े में सूर्यवंशी आत्माएं तो सारी बाप के साथ चली गई. Well, all the Suryavanshi souls went away with the father during that dispute. तो न वैष्णवी गई न जगदम्बा गई. But neither Vaishnavi nor Jagadamba went with him. बच्चे गए. The children went with him. सूर्यवंशी बच्चे गए. द सूर्यवंशी चिल्ड्रन लेफ्ट. तो जो सूर्यवंशी बच्चे बाप के साथ गए उनकी बुद्धि में ज्ञान था. सो द सूर्यवंशी चिल्ड्रन हु वेंट अवे विद द फादर इन देयर इंटेलेक्ट देयर वाज द नॉलेज. स्टूडेंट इट इज ओनली देन दैट दे डिपार्टेड. नहीं नहीं, उनमें कुछ बच्चे ऐसे होंगे नेता के रूप में पार्ट बजाने वाले जिनके पीछे पीछे हुजूम गया हो. नो नो, अमंग देम देयर वुड बी सम ऑफ सच चिल्ड्रन हु प्लेड द पार्ट एज लीडर्स हुम द क्राउड वुड हैव फॉलोड. तो वो बच्चे कौन थे? सो हु आर दोस चिल्ड्रन? अष्टदेव होंगे वो. स्टूडेंट दे मस्ट बी द अष्टदेव. अष्टदेव माना प्रजापिता के कोई दोस्त हो, मित्र हो, संबंधी हो, उनको पहले बताया. दे वेर द अष्टदेव. इट मीन्स इफ देर वेर सम फ्रेंड्स रिलेटिव ऑफ प्रजापिता ही टोल्ड देम फर्स्ट ऑफ ऑल. उनमें ज्ञान का बीज पहले पड़ा. द सीड ऑफ नॉलेज वॉज सोन इन देम फर्स्ट ऑफ ऑल. तब ये बात बोली. इट इज देन दैट इट वॉज सेड कि बाप दादा अकेला कुछ नहीं करता. बाप दादा डजंट डू एनीथिंग अलोन. अकेला माने शरीर के साथ या बिना शरीर के अकेला? डस अलोन मीन अलोंग विद द बॉडी और विदाउट द बॉडी? शरीर के साथ अकेला कुछ नहीं करता क्योंकि जन्म लेते ही यज्ञ रचा. ही डजंट डू एनीथिंग अलोंग विद द बॉडी अलोन बिकॉज ही क्रिएटेड द यज्ञ एज सून एज ही वॉज बॉर्न. रचा माने रचना हुई ना. He created means the process of creation took place, didn't it? तो एक रचयिता और रचना भी चाहिए. So there is one creator and the creation is also required. रचना अनेक हो सकती है. There can be numerous creations. रचयिता एक होता है. But the creator is one. तो यज्ञ रचा तो यज्ञ में ब्राह्मण चाहिए तो आपका भी जन्म बाप के साथ हुआ. सो ही क्रिएटेड द यज्ञ एंड ब्राह्मण्स आर रिक्वायर्ड इन द यज्ञ. सो यू वर आल्सो बॉर्न अलोंग विद द फादर. आपका भी जन्म बाप के साथ हुआ जब ये बोला ब्रह्मा बाबा ने गुलजार दादी के मुख से तो उनकी बुद्धि में कोई बच्चे हैं या नहीं है? When Brahma Baba spoke through the mouth of Dadi Gulzar, you were also born along with the father. Are there some children in his intellect or not? ये झूठ ही बोल दिया. माना ब्रह्मा बाबा झूठ बोलता है. माताजी बोल रही है ब्रह्मा बाबा झूठ बोलता है. कोई थे ही नहीं बच्चे ऐसे ही बोल दिया. Or did he speak a lie? Student, yes. It means Brahma Baba speaks lies. Mataji is saying that Brahma Baba speaks lies. There weren't such children at all. He said it just like that. हाँ थे. कौन थे?
Where were the children? Who were they? वहाँ कोई बैठे थे. Was anyone sitting there? वहाँ माउंट आबू में कोई बच्चे बैठे थे जिन्होंने बाप के साथ जन्म लिया. Were some children sitting there in Mount Abu who were born along with the father? यज्ञ रचा तो यज्ञ रचने के साथ साथ जिन बच्चों का जन्म हुआ कोई बच्चे वहाँ बैठे थे. When he created the yagya, the children who were born along with the creation of the yagya, were any of them sitting there? शिवरात्रि के दिन. On the day of Shivratri? नहीं बैठे थे. फिर किससे बोला? They weren't sitting there. Then to whom did he speak? Student, he brought forth the children before him and इमर्ज किया. ये कह सकते हैं जैसे शिव बाबा ब्रह्मा के तन में बैठ करके इमर्ज करते थे वैसे ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में भी इमर्ज हुआ. अच्छा. Yes, he brought them forth. You can say, just as Shiv Baba would sit in the body of Brahma and bring forth the children before him, similarly, Brahma Baba brought them forth in his intellect. अच्छा. आपका भी जन्म बाप के साथ हुआ. किसका इमर्ज? किसको इमर्ज किया? You were also born along with the father. Whom did he bring forth? अष्टदेवों को. Student, the Ashtadevs. उन अष्टदेवों को इमर्ज किया. He brought forth those Ashtadevs. क्योंकि बाप दादा ने अष्टदेवों में से दो को तो पहले ही प्रत्यक्ष कर दिया. It is because out of them, बाप दादा has already revealed the two deities. किया कि नहीं? Did he or not? है? एक सूर्यवंशी बाप चंद्रवंशी नहीं और एक माँ. One is the सूर्यवंशी father and the other is the mother. है? चंद्रवंशी माँ. Student, the चंद्रवंशी माँ. हाँ, चंद्रवंशी माँ कहें, चंद्रवंशियों की पूर्वज कहें, लेकिन हैं तो सब सूर्यवंशी आठ हुए. Yes, call her the चंद्रवंशी mother or the ancestor of the चंद्रवंशी, but all the eight deities are certainly सूर्यवंशीस. तो बोला. So it was said. इस बात का यादगार कि बाप के साथ बच्चों का जन्म होता है भक्ति में भी शिवरात्रि मनाते हैं. In the yadgar that the children are born along with the father, Shivratri is celebrated in the path of bhakti as well. तो साथ में अकेले शिव की पूजा नहीं करते. शिव के साथ शालिग्रामों की भी पूजा करते हैं. Shiv isn't worshipped alone. Along with Shiv, shaligrams are also worshipped. और शालिग्रामों को हाथ पांव नाक आंख कान दिखाए जाते हैं क्या? And are they shown with hands, feet, nose, eyes or ears? नहीं होते. They aren't. देवताओं को तो हाथ नाक पूरी इंद्रियां मूर्ति के रूप में दिखाई जाती हैं. शालिग्रामों को नहीं दिखाते. क्यों? The deities are certainly shown with hands, nose, all the indriya in their idols. They aren't shown to the shaligrams. Why? Student, incorporeal. हाँ, उन्होंने ऐसी प्रैक्टिस की है राजयोग की कि उस राजयोग की प्रैक्टिस में वो अपने शरीर और शरीर की इंद्रियों को भूल जाते जैसे कि है ही नहीं. Yes, they have made such practice of Rajyog that they forget their body and its indriya as if they don't exist at all. कान होते हुए भी नहीं सुनते. They don't listen to anything despite having ears. क्या नहीं सुनते? What don't they listen to? दुनिया ग्लानी करती है ज्ञान में चलने वालों की. करती है कि नहीं? करती है. वो कान पर नहीं धरते. The world defames those who follow the knowledge. Does it or not? It does. They turn a deaf ear to it. सुनते ही नहीं. They don't listen to it at all. सुनते हुए भी नहीं सुनना. They don't listen to anything despite listening to it. देखते हुए भी नहीं देखते. दुनिया में कितने खराब खराब काम हो रहे हैं.
आंखों से देखने में तो आ जाते हैं। दे डोंट सी एनीथिंग डिस्पाइट सीइंग इट। पीपल आर परफॉर्मिंग सच बैड डीड्स इन द वर्ल्ड। दे सर्टेनली कम इन योर नोटिस, डोंट दे? कोई बहुत गंदा काम आंखों से कोई देखता है, देख लेता है, तो फिर वो याद आता रहता है। इफ समवन सीज अ वेरी डर्टी एक्ट थ्रू हिज आईज, ही कीप्स रिमेम्बरिंग इट। कोई काम करेगा, पूजा करेगा, ये करेगा, वो करेगा, बाबा को याद करने बैठे, वो भी याद आता। इफ ही डज सम वर्क, नो मैटर इफ ही सिट्स फॉर वर्शिप, डज दिस और दैट वर्क, और इफ ही सिट्स टू रिमेम्बर बाबा, ही विल रिकॉल दैट। तो इसका मतलब देख लिया और दिल में रख लिया। वो जो शालिग्राम है वो ऐसी प्रैक्टिस करते हैं याद की कि आंखें होते हुए भी नहीं देखते। इट मीन्स ही सॉ इट एंड बोर इट इन हिज हार्ट, सो दोज शालिग्राम्स मेक सच प्रैक्टिस ऑफ रिमेम्बरेंस दैट दे डोंट सी एनीथिंग डिस्पाइट हैविंग आईज। क्या आंखें बंद कर लेते हैं? डू दे क्लोज देयर आईज? आंखें बंद नहीं करते। दे डोंट क्लोज देयर आईज? कान बंद नहीं करते, जैसे मुसलमान कान बंद कर लेते। दे डोंट क्लोज देयर इयर्स अनलाइक द मुस्लिम्स। भगवान को याद करेंगे, अल्लाह मियां को, अल्लाहु अकबर। दे दैट इज द मुस्लिम्स विल रिमेम्बर गॉड अल्लाह मियां सेइंग अल्लाहु अकबर। तो क्या कान बंद करने से क्या ज्ञान की बातें सुनाई नहीं पड़ेंगी? वेल, won't they hear the words of knowledge after closing their ears? है? नहीं सुनाई पड़ेंगे। Won't they? कब तक 24 घंटे बंद करके रहेंगे? Until when? Will they keep their ears closed for 24 hours? अरे संसार में भगवान प्रत्यक्ष होगा तो इस्लामियों को पता नहीं चलेगा, मुसलमानों को पता नहीं चलेगा? अरे when God is revealed in the world, won't the people of Islam and the Muslims come to know about it? चलेगा ना? They will, won't they? तो कानों से सुनेंगे तभी तो पता चलेगा। So they will come to know it only when they listen to it through their ears. सुनना तो पड़ेगा। They will definitely have to listen to it. तो बोला शालिग्रामों की पूजा इसलिए होती है कि वो इंद्रियां होते हुए भी जैसे कि इंद्रियां है ही नहीं, ऐसी स्टेज धारण कर लेते हैं। So it was said, the shaligrams are worshipped because they stabilize in such a stage that it seems as if they don't have indriya despite having them. तब उनकी पूजा होती है। काहे की पूजा होती है? काहे की पूजा होती है? It is then that they are worshipped. Who is worshipped? Who is worshipped? शालिग्राम की पूजा होती है, उनकी इंद्रियों की पूजा नहीं होती। The shaligrams are worshipped. Their indriyas aren't worshipped. देवताओं की इंद्रियों की पूजा होती है, कमल नयन कहेंगे, कमल मुख कहेंगे, कमल पाद कहेंगे, हस्त कमल कहेंगे। The इंद्रियास of the deities are worshipped. It will be said they have lotus like eyes, lotus like mouth, lotus like feet, lotus like hands. पूजा करेंगे, फूल रख देंगे, पत्र रख देंगे। People will worship the deities. They will place flowers and leaves at their feet. जल चढ़केंगे, मिष्ठान चढ़ा देंगे। They will sprinkle water and offer sweets to them. लेकिन शालिग्रामों की और शिव की पूजा ऐसे नहीं होती। But the shaligrams and Shiv aren't worshipped that way. क्यों नहीं पूजा होती उनकी इंद्रियों की? Why aren't their इंद्रियां worshipped? नहीं। स्टूडेंट इनकॉर्पोरियल? नो स्टूडेंट, द इंद्रियां। इंद्रियां नहीं होती हैं। डोंट दे हैव इंद्रियां? इंद्रियां तो होती हैं। दे डू हैव द इंद्रियां। लेकिन इंद्रियां होते हुए भी वो इंद्रियां जो है वो कर्म ऐसे कर रही हैं जैसे कि शिव ने पार्ट बजाया। बट डिस्पाइट हैविंग देम दे आर परफॉर्मिंग एक्शंस इन सच अ वे दैट इट सीम्स एज इफ शिव प्लेड द पार्ट थ्रू देम। शिव ने क्या पार्ट बजाया? व्हाट पार्ट डिड शिव प्ले? जलाधारी दिखाते हैं ना? अ जलाधारी इज शोन, इजंट इट? जलाधारी इज द कप दैट होल्ड्स द लिंगम। तो जलाधारी में देखते रहते हुए भी लिंग दिखाई पड़ रहा है लोगों को। सो डिस्पाइट स्टेइंग इन द जलाधारी द लिंग इज विजिबल टू द पीपल।
तो जो चीज आंखों से देखेंगे तो मानने के लिए तैयार होंगे. Will the people be ready to consider false what they are seeing through their eyes? है? उसे विकारी मानेंगे या निर्विकारी मानेंगे? Will they consider him vicious or viceless? विकारी मानते हैं. They consider him to be vicious. इसलिए पूजा नहीं करते. So they don't worship him. किसकी? What? इंद्रियों की पूजा नहीं करते. They don't worship the इंद्रिया. इंद्रियों की पूजा नहीं करते. शिव क्या सिर्फ लिंग ही पूजा जाता है. The Indriya aren't worshipped. Only the ling of Shiv is worshipped. ऐसे ही शिव के साथ जो प्रत्यक्ष होने वाले बच्चे हैं, वो बच्चे भी जो आठ धर्मों के पूर्वज हैं. Similarly, the children who are revealed along with Shiv, they too are the ancestors of the eight religions. उन्होंने भी ऐसी स्टेज धारण की है, निराकारी स्टेज. क्यों? उनका लिंग ही पूजा जाता है. They have also assimilated such stage, that is the incorporeal stage, that their ling alone is worshipped. इसलिए 12 लिंग हैं. This is why there are 12 lings, जिनकी पूजा होती है, which are worshipped. उन लिंगों में हाथ पांव नाक कान नहीं दिखाए जाते, सिर्फ शिवलिंग की पूजा होती है. Hands, feet, nose, eyes, ears aren't shown in those lings. Only the Shivling is worshipped. तो बताया, यादगार भक्ति मार्ग में शिवरात्रि मनाते हैं तो साथ में शालिग्रामों की पूजा करते हैं. So it was said, Shivratri is celebrated as its yadgar in the path of bhakti. So the shaligram are worshipped along with it. अनेक अनेक शालिग्रामों को पूजते हैं. People worship numerous shaligram. क्या? What? एक दो को नहीं, कितने? पशुपति में एक से आठ शालिग्राम दिखाते हैं. Not one or two. How many? Student, they show 108 shaligram in Pashupati. वो तो पहले 108. They are the first 108 shaligram. पहले आठ, फिर 108, फिर संख्या और बढ़ती है. First of all, there are 8, then 108, then their number increases more. बढ़ते बढ़ते आखिरी कितनी हो जाती है? While increasing gradually, how much does it reach? रुद्र यज्ञ रचते हैं तो लाख शालिग्राम बनाते हैं. When the Rudra Yajna is organized, they make 1 lakh shaligram. तो शालिग्राम को पूछते हैं तो ये जयंती वंडरफुल जयंती है. So the shaligram are worshipped. This birthday is wonderful. इसलिए इसे जयंती को हीरे तुल्य जयंती कहा जाता है. This is why this birthday is called worth diamond. जिनका जन्म हुआ, जो संसार में प्रत्यक्ष होते हैं, those who are born, those who are revealed in the world. संसार में कितने सितारे हैं जो विनाश के टाइम पर चमक मारते रहेंगे सारी दुनिया में? नहीं. How many stars will keep shining at the time of destruction in the entire world? Student, 9 lakhs. No. 9 lakh ko to sharir hi nahi hota. The 9 lakh souls don't have a body at all. Abhi sharir Brahma ne chhod diya, to wo sitara hoga kya? Dekhne mein aayega. Now, Brahma has left his body. So, will he be a star? Will he be visible? Nahi. No. हाँ, जिसमें प्रवेश करता है वो देखने में आएगा. Yes, the one whom he enters will be visible. तो 4.5 लाख ऐसे हैं जो नंबरवार सेवा करने वाले, ज्ञान की सेवा करने वाले, ज्ञान की चमक मारने वाले सितारे हैं. So the 4.5 lakh are such stars who do service, the service of knowledge number wise. They are the stars that emit the shine of knowledge. उनमें भी 1 लाख विशेष आत्माएं हैं. इवन अमंग देम 1 लाख आर स्पेशल सोल्स, जो खास चमक मारने वाली है, हु शाइन इन पर्टिकुलर. इसलिए जब भी रुद्र यज्ञ रचेंगे तो कम से कम 1 लाख शालिग्राम जरूर बनाएंगे. 50,000 हो गए चंद्रवंशी और 50,000 हो गए सूर्यवंशी. दिस इज वाई Whenever the Rudra Yajna is organized,
पीपल डेफिनेटली मेक 1 लाख शालिग्राम्स एटलीस्ट. अमंग देम 50,000 आर चंद्रवंशीज एंड द अदर 50,000 आर सूर्यवंशीज. तो बाप दादा सभी साथी बच्चों को पद्म गुणा बाहों के हार के बीच पद्म गुणा मुबारक दे रहे हैं. So Bap Dada is giving multi-million fold congratulations to all of his companion children amidst his multi-million fold embraces in the form of garlands. ये मर्ज करके दे रहे हैं या सन्मुख बैठे हैं? Is he giving them this after bringing them forth before him or are they sitting in front of him? इमर्ज करके दे रहे हैं. ये भी बाप और बच्चों की अति दिल के प्यार की निशानी है. स्टूडेंट आफ्टर ब्रिंगिंग देम फोर्थ बिफोर हिम ही इज कंग्रेचुलेटिंग देम आफ्टर ब्रिंगिंग देम फोर्थ बिफोर हिम. दिस टू इज द साइन ऑफ ग्रेट लव इन द हार्ट ऑफ द फादर एंड द चिल्ड्रन. बाप दादा का बच्चों से वायदा है. बाप दादा हैज प्रॉमिस्ड द चिल्ड्रन. क्या वायदा है? व्हाट हैज ही प्रॉमिस्ड? साथ चलेंगे, साथ रहेंगे. साथ रहेंगे क्या मतलब? परमधाम में रहेंगे. वी विल स्टे टुगेदर. व्हाट डज स्टे टुगेदर मीन? विल यू सिट इन द सुप्रीम अबोर्ड? बी के लोग क्या समझते हैं? व्हाट डू द बी केस अंडरस्टैंड? हाँ, सूक्ष्म बतन में बाप दादा के साथ रहेंगे. वी विल स्टे विद बाप दादा इन द सटल वर्ल्ड. सूक्ष्म बतन में बाप है ही नहीं. As a matter of fact, the father isn't present in the subtle world at all. Shiv Bap sukshma sharir dharan karta hai kya? Does the father Shiv take on a subtle body? Students, no. Oh, usko to sukshma sharir hi nahi hai. Wo to akarta hai. He doesn't have a subtle body at all. He is definitely akarta. Jo akarta hota hai uska sukshma sharir banta hi nahi. The one who is akarta doesn't receive a subtle body at all. Sukshma sharir unka banta hai jo karta dharta hai. The one who does something receives a subtle body. Karma karenge to sukshma mein smriti rahegi. If you perform an action you will remember it in the subtle way. Wo to sadaiva karta hai, unka part sukshma batan mein hai hi nahi. Wo to sakar batan mein aata hai ya to परमधाम में निराकारी स्टेज पर रहते हैं. ही इज ऑलवेज अकर्ता. ही डजंट हैव अ पार्ट इन द सटल वर्ल्ड. ही ईदर कम्स इन द कॉर्पोरियल वर्ल्ड और रिमेन्स इन द इनकॉर्पोरियल स्टेज इन द सुप्रीम अबोर्ड. तो बाप दादा का बच्चों से वायदा है, साथ रहेंगे. सो बाप दादा हैज प्रॉमिस्ड द चिल्ड्रन वी विल स्टे टुगेदर. माने सेवा ज्योति बिंदु की बात नहीं है. It means it isn't about the point of flight Shiv. किसकी बात है? It is about whom? Student, the corporeal one. साकार में जो बाप है राम बाप और दादा कृष्ण वाली आत्मा. It is about the father who is in the corporeal form, that is the father Ram, and Dada, that is the soul of Krishna. वो साथ रहेंगे. They will stay together. और साथ ही चलेंगे. कहाँ चलेंगे? एंड दे विल श्योरली गो टूगेदर. वेयर विल दे गो? परमधाम में भी साथ चलेंगे और नई दुनिया में भी साथ चलेंगे. दे विल गो टूगेदर टू द सुप्रीम अबोर्ड एज वेल एज द न्यू वर्ल्ड. तो बोलो. सो स्पीक अप. बच्चों का भी बाप के साथ वायदा है ना? द चिल्ड्रन टू हैव प्रॉमिस्ड द फादर, हैवन्ट दे? क्या? वॉट? साथ चलेंगे. स्टूडेंट वी विल गो टुगेदर. विल यू गो टुगेदर? साथ आवेंगे. विल यू कम टुगेदर? के संगम पर साथ है. और आर यू टुगेदर इन द कॉन्फ्लुएंस एज? हमेशा साथ. फिर 84 जन्म साथ नहीं निभाएंगे? देन वोंट यू अकंपनी हिम फॉर 84 बर्थ्स? स्टूडेंट्स वी विल. निभाएंगे? You will. कितने हैं जो साथ में 84 जन्म साथ निभाते हैं? How many accompany him for 84 births? Student, the 8 deities. है? 8 ही है. 8 तो राजा क्वालिटी की आत्मा है. Are there only 8 souls? The 8 are the souls with the quality of kings.
और राजा होगा तो यथा राजा तथा प्रजा साथ में नहीं होगी। इफ देयर इज अ किंग अकॉर्डिंग टू द रूल एज द किंग सो द सब्जेक्ट्स वुड द सब्जेक्ट्स बी टुगेदर विद हिम। प्रजा राजा को छोड़ करके दूसरी जगह चली जाएगी। विल द सब्जेक्ट लीव द किंग एंड गो टू अनदर प्लेस। प्रजा भी ऐसी अड़ियल होती है। द सब्जेक्ट्स आर ऑल्सो सो स्टबर्न। जैसे और धर्म वाले होते हैं ना, तो और धर्म वाले जब तक क्राइस्ट की सोल नहीं मानेगी, प्रत्यक्ष नहीं हो जाएगी संसार में, तब तक वो क्रिश्चियन धर्म के अलावा और कोई धर्म को मानने वाले नहीं। ऐसे ही मुसलमान बड़े जिद्दी। जस्ट लाइक देर आर द पीपल ऑफ अदर रिलीजन्स आर इन देर, सो द पीपल ऑफ अदर रिलीजन्स अंटिल द सोल ऑफ क्राइस्ट डजंट एक्सेप्ट समथिंग अंटिल ही इज रिवील्ड इन द वर्ल्ड, they aren't going to follow any other religion than the Christian religion. Similarly, the Muslims are very stubborn. बहुत अड़ियल एंड ऑब्स्टिनेट। दूसरे धर्म वाले तो अड़ियल होते ही हैं। The followers of the other religions are certainly obstinate. वो अपने धर्म को कभी छोड़ते ही नहीं। छोड़ते कौन है? They never leave their religion at all. Who leave their religion? हिंदू भारतवासी छोड़ते। The Bharatwasis. भारतवासी उनको मुसलमान लोग कहते हैं काफिर है। काफिर कहाँ कहाँ फिरते रहते हैं, किस किस धर्म में माता मारते रहते हैं। The Muslims say that they are काफिर as they keep wandering here and there, they keep following this and that religion. तो बताया। So it was said. बोलो बच्चों का भी बाप से वायदा है ना? Tell me, the children too have promised the father, haven't they? Kya vaada? What promise? Ki sada saath rahenge. They will always stay together. Sirf sangam mein nahi. Not just in the confluence age. 84 janam bhi saath rahenge. They will also stay together with him for 84 births. Ya aise samajhte ho sirf sangam mein saath rahenge? Nahi nahi. Or do you think you will stay together only in the confluence age? Student, no, for 84 births. कितने रहेंगे? How many will stay together with him? साढ़े चार लाख। Student, 4.5 lakh. 4.5 lakh. साढ़े चार लाख 84 जन्म साथ रहेंगे। Will the 4.5 lakh souls stay together with him for 84 births? उनमें दूसरे धर्म की नहीं है। Aren't those of the other religions present among them? दूसरे धर्म की बीज रूप आत्माएं नहीं है? Aren't there the seed form souls of other religions? Student, there are. उनमें दूसरे धर्म का छिलका नहीं चढ़ा हुआ है? देवमान का। Aren't they covered with the husk of body consciousness of other religions? चढ़ा हुआ है। Student, they are. तो कैसे चढ़ गया? Then, how are they covered with it? अगर वो छोड़ के नहीं गए दूसरे धर्म में, तो दूसरे धर्म का छिलका कैसे चल गया? इफ दे डिडंट लीव हिम एंड गो टू अदर रिलीजन्स, हाउ आर दे कवर्ड विद द हस्क ऑफ अदर रिलीजन्स? छोड़ के चले गए। दे लेफ्ट हिम एंड वेंट अवे। माने 4.5 लाख की बात नहीं है। इट मीन्स इट इजंट अबाउट द 4.5 लाख सोल्स। स्टूडेंट 108। 108 तो राजा क्वालिटी के हैं, उनकी तो बात छोड़ दो। नो, 108 सोल्स आर दोस विद द क्वालिटी ऑफ किंग्स, लीव देम। 16,000 में तो दास दास ही बनने वाले भी बैठे। स्टूडेंट 16,000। अमंग 16,000 सोल्स देर आर ऑल्सो दोस हू बिकम सर्वेंट्स एंड मेट्स। क्या? वॉट? इसलिए बाबा ने बोला कि दास दास ही बनने से होता अच्छा। 16,000 की लिस्ट में जाने का लक्ष्य लेने से तो अच्छा है कि प्रजा वर्ग में साहूकार बनते रहे। दिस इज वाई बाबा हैज सेड बेटर देन बिकमिंग सर्वेंट्स एंड मेट्स, इट इज बेटर टू बिकम रिच पीपल इन द सब्जेक्ट कैटेगरी देन टेकिंग द एम ऑफ कमिंग इन द लिस्ट ऑफ 16,000। ऐसा सरेंडर होना ठीक है नहीं? इट इज इन राइट टू सरेंडर योर सेल्फ दिस वे। सरेंडर हुए और उल्टे उल्टे काम किए। यू सरेंडर्ड योर सेल्फ एंड देन परफॉर्म रॉन्ग बीट्स। आज्ञाकारी की जगह अवज्ञाकारी बनते रहे। यू कंटिन्यू टू बिकम डिसओबीडियंट इंस्टेड ऑफ बिकमिंग ओबीडियंट। वफादार की तरह जगह बेवफा बनते रहे।
You continue to become disloyal instead of becoming loyal. तो ठीक नहीं है. This isn't right. ऐसा सरेंडर होने से फायदा नहीं. बेवफा बनेंगे तो दास दासी बनेंगे या राजा बनेंगे. There is no benefit of surrendering yourself this way. If you become disloyal, will you become servants and maids or will you become kings? राजा बनेंगे. Will you become kings? दासदासी बनेंगे. You will become servants and maids. तो बाप का बच्चों के साथ वायदा है ना. So the father has promised the children, hasn't he? कि संगम पर साथ है. Or is he with them only in the confluence age? नहीं. No. साथ साथ रहना भी है और विश्व सेवा भी साथ में है. They have to stay together and the service of the world is also together. Partiality नहीं होनी चाहिए. There shouldn't be any partiality. क्या? What? कि हम तो अरब देश की सेवा करेंगे या हम तो अफगानिस्तान पाकिस्तान की सेवा करेंगे. We will do the service of the Arab countries or we will serve Afghanistan and Pakistan. हिंदुस्तानियों को नहीं पूछेंगे. We won't care for the Indians. हम तो चीन की जापान की सेवा करेंगे तिब्बत की. We will serve China, Japan and Tibet. वो बौद्ध धर्म है. वो हमारा अपना धर्म है. It is the Buddhist religion. It is my own religion. हम औरों को तरजीह नहीं देंगे. I won't give preference to others. तो बाप का साथी हुआ या कोई खास धर्म का साथी हुआ. धर्म का साथी. Then, is he the companion of the father or the companion of a specific religion? कोई खास धर्म का साथी विश्व कल्याणकारी हुआ नहीं. या देश कल्याण छोटे मोटे किसी राज्य या देश का कल्याणकारी हुआ. He is the companion of a particular religion. Is he world beneficial or is he the one who brings benefit to a small province or country? Student, the one who brings benefit only to a country. तो रहना भी साथ में है और फिर उड़ना भी साथ में है. So you have to stay together as well as fly together. क्या? What? जो विश्व सेवा में विश्व पिता के साथ साथ रहेंगे वो ही साथ साथ उड़ करके परमधाम भी जाएंगे. Those who stay together with Vishwapita in the service of the world, they alone will fly together with him and go to the supreme abode. और साथ में नई दुनिया में भी आएंगे. And they will also come along with him in the new world. तो बोलो. So tell me. आपका भी वायदा है ना? You have also promised, haven't you? कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे. We will stay together, go together. और ब्रह्मा बाप के साथ विश्व पर राज्य करेंगे. And rule the world with the father Brahma. क्या? What? किसी एक देश पर राज्य नहीं करेंगे. You won't rule one country. सारे विश्व पर राज्य करेंगे. कब? You will rule the entire world. When? सत्युग त्रेता द्वापर कल में. इन द गोल्डन सिल्वर कॉपर एंड आयरन एज. संगम युग में ही ऐसा समय आने वाला है जो विश्व पिता के सदा साथ रहने वाली आत्माएं चाहे राज परिवार की हो और चाहे प्रजावर्ग की हो ऐसी सूर्यवंशी आत्माएं बाप के साथ साथ राज्य करने वाली यथा राजा तथा प्रजा. Such a time is going to arrive in the confluence age itself that the souls staying together with Vishwapita forever, be it of the royal family or the subject category, such Suryavanshi souls will rule along with the father. As the king, so the subjects. Yeah, Vishwapita apani praja ke mat ko chhod karke kaam karega. Or will Vishwapita work ignoring the opinion of his subjects? No. वो तो सारी जनरेशन ही ये खासियत है. ऐसे ज्ञानी होंगे कि जो बाप का काम सो बच्चों, जो बाप की बात सो हमारी बात, जो बाप का मत
सो हमारा मन. इट इज द स्पेशलिटी ऑफ दैट एंटायर जनरेशन दैट इज पॉपुलेशन दैट दे विल बी सच नॉलेजेबल वंस. द फादर्स बिजनेस इज द बिजनेस ऑफ द चिल्ड्रन. द फादर्स वर्ड्स आर आर वर्ड्स. द फादर्स ओपिनियन इज आर ओपिनियन. तो पक्का वायदा है. सो इज इट अ फर्म प्रोमिस. यही विशेषता इस शिव जयंती की है. दिस इज द वेरी स्पेशलिटी ऑफ दिस शिव जयंती. क्या? वॉट? साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, सब कुछ सारे जन्म साथ निभाएंगे. यू विल स्टे टूगेदर, गो टूगेदर, यू विल अकम्पनी हिम इन ऑल द बर्ड्स. बाप दादा ने अमृत वेले से देखा. बाप दादा ऑब्जर्व फ्रॉम अमृत वेला कि भिन्न भिन्न स्थान के बच्चे बहुत ही खुशी से मुबारक बधाइयां भेज रहे थे. द चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस वर सेंडिंग देयर कंग्रेचुलेशंस विद अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस. आप तो अभी सन्मुख बधाइयां दे रहे हो. यू आर कंग्रेचुलेटिंग हिम फेस टू फेस. और ले भी रहे हो. एंड यू आर ऑल्सो रिसीविंग इट. तो देना और लेना साथ में है. सो यू आर गिविंग एंड टेकिंग इट टूगेदर. कितने भाग्यवान भगवान के बच्चे हैं जो सन्मुख बर्थडे मनाए रहे हैं. द चिल्ड्रन ऑफ गॉड आर सो फॉर्चुनेट दैट दे आर सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे फेस टू फेस. क्या? वॉट? सन्मुख बर्थडे मनाए रहे हैं. सभी के चेहरे खुशनुमा खुशी में उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं. दे आर सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे फेस टू फेस. Everyone's face is very happy and seem to be flying in happiness. एक तरफ बाप दादा बच्चों के भाग्य को देख रहे हैं और दूसरी तरफ भक्तों को भी देख रहे हैं. On one side, बाप दादा is seeing the fortune of the children, and on the other side, he is also seeing the devotees. वो अभी तक पुकार रहे हैं. Until now, they are calling him out. आओ. Saying, come. और आप साथ में मनाए रहे हो. However, you are celebrating the birthday together. वो पुकार रहे हैं और आप मनाए रहे हो. They are calling out to him and you are celebrating his birthday. बाप दादा ने देखा भक्तों की अनुभूति भी कोई कम नहीं है. बाप दादा saw that the experiences of the devotees aren't any less. जो प्रैक्टिकल में आप कर रहे हो उसका यादगार के रूप में कितनी अच्छी विधि से उन्होंने यादगार बनाया हुआ है. What you are doing in practice, they have made its यादगार in such a good manner. आपने व्रत लिया तो उन्होंने भी व्रत का यादगार बनाया. You took a vow, so they too made the यादगार of observing a fast. कि उन्होंने व्रत नहीं लिया. Didn't they observe a fast? Student, they did. कौन सा व्रत लिया? अंतर है कुछ कि नहीं? Which fast did they observe? Is there any difference or not? अंतर है. क्या अंतर है? Student, there is. What is the difference? आपने विकारों को त्यागने का व्रत लिया. You took the vow of renouncing vices. क्या? What? और उन्होंने? And what about them? स्थूल खाने पीने की भोग करने की स्थूल चीजों का व्रत ले लिया. They observe the fast to abstain from physical things like food and drinks. वो एक दिन या थोड़े समय के लिए व्रत रखते हैं. They observe a fast for a day or for a short time. और आपने कौन सा व्रत रखा है? सदा. And which vow have you taken? सभी ने बाप के आगे व्रत रखने का वचन लिया है ना? All of you have promised in front of the father to observe the vow, haven't you? आपने बाप से खुशी खुशी व्रत लिया है. You have vowed to the father happily. कि जबरदस्ती निश्चय पत्र पर लिखवाया गया. Or very forcibly made to write it on the letter of faith. Students, happily. खुशी खुशी व्रत लिया है. You have taken the vow happily. कि बाबा हम इस पूरे जन्म के लिए ब्राह्मण जन्म के लिए व्रत धारण करेंगे. Saying, बाबा I will observe this vow for this whole birth, the Brahmin birth. व्रत धारण किया है ना?
यू हैव टेकन द वर्व हैवंट यू कौन सा व्रत धारण किया है विच वर्व हैव यू टेकन है जीवन भर पवित्रता का व्रत धारण किया है यू हैव टेकन द वर्व ऑफ स्टेइंग प्योर थ्रू आउट योर लाइफ एक जन्म का व्रत लिया है लेकिन एक जन्म पवित्रता का व्रत आपका स्थायी हो जाएगा 21 जन्म के लिए यू हैव टेकन द वर्व ऑफ वन बर्थ बट द वर्व ऑफ प्यूरिटी ऑफ वन बर्थ विल कंटिन्यू फॉर 21 बर्थ्स क्या वॉट 21 जन्म के लिए आपका स्थायी हो जाएगा योर्स विल कंटिन्यू फॉर 21 बर्थ्स सबका नहीं हो जाएगा Not everyone's will. Sabaka? Everyone's? Student, those who are sitting face to face. Those who are sitting face to face? Mount Abu. Where? In Mount Abu. Yeah. Here? Unka sabka sthayi ho jayega. Will it become permanent for everyone? और अंदर से कुछ शंका आती हो अनिश्चय आता हो अंदर से विपरीत संकल्प आते हो दिल खराब होता हो तो सन्मुख कहे एंड इफ समवन हैज डाउट्स विद इन इफ समवन हैज अपोजिंग थॉट्स इफ समवन्स हार्ट बिकम्स अपसेट विल यू कॉल हिम फेस टू फेस नहीं कहेंगे थोड़े सन्मुख कहेंगे दे वोंट बी कॉल्ड फेस टू फेस तो बोला सो इट वॉज सेड आपका पवित्रता का व्रत 21 जन्म चलेगा योर वर्व ऑफ प्यूरिटी विल कंटिन्यू फॉर 21 बर्थ्स जो विश्व सेवा में बाप के साथ है दोस हु आर टुगेदर विद द फादर इन द सर्विस ऑफ द वर्ल्ड और जो विश्व सेवा में बाप के साथ ही नहीं रहेंगे उनका 20 जन्म चलेगा कम चलेगा एंड दोस हु आरंट द कंपेनियंस ऑफ द फादर इन द सर्विस ऑफ द वर्ल्ड Theirs will continue for 20 births or less. किसी का एक जन्म भी चलेगा किसी का वो भी नहीं चलेगा Someone's will continue for one birth, but someone's won't continue even for a birth. अगर द्वापर में जन्म लेने वाली आत्माएं होंगी तो उनका कोई जन्म चलेगा व्रत पवित्रता का नहीं चलेगा If they are the souls who are born in the copper age, will their vow of purity continue for a birth? It won't. वो थोड़े समय के लिए खाने पीने और जागरण का कार्य करते हैं भगत लोग Those devotees perform the task of abstaining from food and drinks and staying awake for a short time. शिवरात्रि पर 12 बजे तो खा लेते हैं ना On Shivratri, they do eat at 12 o'clock, don't they? लेकिन आप सभी के एक जन्म के जागरण से अर्थात अंधकार से रोशनी में आ गए और ये जागरण भी आपका 21 जन्म चलेगा However, all of you, with your staying awake for one birth, meaning you have come into the light from darkness, and even this staying awake of yours will continue for 21 births. Oh-ho! Oh-ho! क्या कहा? What was said? माँ सोने नहीं देंगे. Won't you be allowed to sleep there at all? कोई-कोई तो डर जाते हैं. Some people feel afraid. क्या? What? अरे सतयुग में सोना ही नहीं होगा. They think, अरे, won't we sleep in the golden age at all? जागते ही रहेंगे. Will we just be awake? बहुत थकान हो जाएगी. हम सतयुग में नहीं जाएंगे. We'll be very tired. We won't go to the golden age. दुनिया में लोग कहते हैं आराम बड़ी चीज है मुंह ढक के सोइए आराम नहीं मिले तो कितना बेचैनी हो जाती है पीपल इन द वर्ल्ड से रेस्टिंग इज अ ग्रेट थिंग कवर योर फेस एंड गो टू स्लीप इफ दे डोंट गेट रेस्ट दे फील सो रेस्टलेस नहीं होती स्टूडेंट वी आरंट टायर्ड इफ वी डोंट स्लीप यू आरंट अच्छा कितने दिन से जाग रहे हैं अच्छा यू हैव बीन अवेक फॉर हाउ मेनी डेज दो दिन से जाग रहे हैं स्टूडेंट टू डेज बस दो दिन का जागरण यू हैव बीन अवेक फॉर टू डेज दैट्स इट इज अ विजिल ऑफ टू डेज दो तीन घंटा सोने से बस दो घंटा सोने से स्टूडेंट स्लीपिंग टू आवर्स इज इनफ
दो घंटे सोते हैं ना? यू डू स्लीप फॉर टू आवर्स डोंट यू? बाबा ने तो कहा है कि आगे चल के तुम बच्चों की नींद ऐसी हो जाएगी कि 10 मिनट सो लेंगे बस 24 घंटे की नींद आपकी, तो सोना तो पड़ता है ना। बाबा हैज सेड इन द फ्यूचर द स्लीप ऑफ यू चिल्ड्रन विल बिकम सच If you sleep for just 10 minutes, your sleep of 24 hours will be covered. So, you definitely have to sleep, don't you? लेकिन वहाँ तो सोना ही खत्म, क्योंकि वहाँ थकान होगी नहीं, थकान होगी नहीं। But there, sleeping will just be over, because you won't feel tired there at all. है? दिन में दिन होगा, रात नहीं होगा। Student, there will be only day there. हाँ दिन ही दिन होगा, लेकिन दिन ही दिन होते हुए भी यस देर विल बी ओनली डे बट इन स्पाइट ऑफ बीइंग डे टाइम क्या अगर दिन ही दिन हो जाए? आजकल की दुनिया में तो ऐसी चकाचौंध है कि 24 घंटे दिन ही दिन दिखाई पड़ता है कहीं कहीं। इन टुडेस वर्ल्ड देर इज सच डैजल दैट इट सीम्स टू बी ओनली डे फॉर 24 आवर्स एट सम प्लेसेस। नहीं दिखाई पड़ता है इजंट इट? क्लबों में चले जाओ, गो टू क्लब्स, दिन में तो दिन रहता ही है और रात में सारी रात दिन ही दिन रहता है, एकदम चकाचौंध। इट इज डेफिनेटली ब्राइट ड्यूरिंग द डे बट एट नाइट टू इट इज टोटली ब्राइट थ्रू आउट द नाइट, इट इज एब्सोल्युटली डैजलिंग। तो वहाँ आराम नहीं करते हैं? सो डोंट दे टेक रेस्ट देयर? सोते नहीं वो लोग? डोंट दे स्लीप? वहाँ सारी रात जगेंगे तो सारा दिन घर में जाके सोएंगे, तो सोना तो पड़ता है ना। If they stay awake throughout the night there, they will go home and sleep throughout the day. So, you do have to sleep, don't you? लेकिन सतयुग में सोएंगे ही नहीं, क्यों नहीं सोएंगे? But you won't sleep in the golden age at all. Why won't you sleep? क्योंकि इंद्रियों से ऐसा कोई काम करेंगे ही नहीं जो शक्ति छीन हो जाए। It is because you won't perform any of such action through the indriya that you lose energy. Shakti chhina hoti nahi indriyon ki. The indriya don't lose power at all. Anant kal tak 21 janmon tak aapki shakti akshunna bani rehti hai. Your vitality remains intact throughout eternity for 21 births. To sone ki baat hi nahi. So, there is no question of sleeping at all. Om Shanti. Om Shanti.